हेलो दोस्तों, आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स फॉर एसएससी रेलवे एंड बैंकिंग। यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स का कोर्स जो है स्टार्ट करने वाले हैं। इस कोर्स में हम बेसिकली वो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जहाँ से क्वेश्चन जो है हर साल एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं। हम पूरा इकोनॉमिक्स नहीं कवर करेंगे, केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुजनेट्स कर्व। इस कर्व से जो है इस साल हमारे यूपीपीसीएस के प्री में क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है ये पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में कि हमारे एसएससी रेलवे या तो बैंकिंग के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो जो क्वेश्चन आया था प्री में वो कुछ इस टाइप का था कि शेप क्या होता है कुजनेट्स कर्व का। तो यहाँ पे हम हर चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुजनेट्स कर्व, इट वॉज गिवन बाई द साइमन कुजनेट्स। साइमन कुजनेट्स एक पर्सन थे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है कुजनेट्स कर्व का। ये बेसिकली एक हाइपोथेसिस है। ये हाइपोथेसिस क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इनकम एंड रीजनल इनइक्वलिटी शो करता है। मान लीजिए ये हमारी सोसाइटी है, यहाँ पे क्या है, पीपुल्स रह रहे हैं डिफरेंट टाइप के, कुछ अमीर हैं कुछ गरीब हैं। तो ये जो कर्व है ये दिखाता है कि रिच एंड पुअर में कितना डिफरेंस है, मीन्स उनके बीच गैप कितना है। तो यहाँ पे एक ग्राफ जो है कुजनेट्स ने दिया है, वाई एक्सिस पे आपका इनइक्वलिटी है, एक्स एक्सिस पे आपका रियल पीसीआई है यानी पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का जो फार्मूला होता है वो हमारा नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन होता है। हम इस फार्मूले को जो है फ्यूचर में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि आखिर ये कैसे आया, और नेशनल इनकम को भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे केवल हम इतना ये जान लें कि पर कैपिटा इनकम का जो फार्मूला होता है वो नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट नेशन। अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो इंडिया की जो नेशनल इनकम होगी उसको अगर टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को डिवाइड करेंगे तो जो हमें मिलेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम हमारी दो टाइप की होती है, एक नॉमिनल पर कैपिटा इनकम होती है, एक हमारी रियल पर कैपिटा इनकम होती है। ये दोनों टर्म हम जो है आगे के लेक्चर में जो है समझेंगे। यहाँ पे केवल हमें इतना जानना था पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे जो कर्व दिया गया है वो कुछ इन्वर्टेड यू शेप का है। तो यहाँ पे आप ये देखते हैं जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस पे मूव करेंगे तो जो हमारा इनइक्वलिटी है वो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, टाइम के साथ। तो हमारा इनइक्वलिटी बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो गैप है रिच एंड पुअर के बीच वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। कुछ आदमी जो रिच रहेंगे वो अधिक इनकम गेन करेंगे और उनकी इनकम क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और जबकि जो पुअर होंगे उनकी इनकम क्या रहेगी, कमी रहेगी। तो जो गैप होया रिच एंड पुअर के बीच वो क्या है, इंक्रीज होगा। लेकिन आफ्टर अ टाइम जो है सेचुरेशन आता है और उसके बाद जो गैप है वो क्या होगा, डिक्रीज होने लगता है। तो ये डिक्रीज क्यों होता है ये चीज़ हम देखते हैं। एक्स एक्सिस पे हम मूव करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा। रियल पीसीआई इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि पर कैपिटा जो इनकम है वो इंक्रीज हो रही है। अगर रिच के पास पहले 100 लाख था तो अभी कितना हो गया, 150 लाख हो गया। तो अगर ये 150 लाख हो गया तो इनका एक्सपेंडिचर क्या है, बढ़ जाएगा। तो इनका जब एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा तो ये जो सर्विसेज लेंगे यानी अपने रख रखाव के लिए, तो ये किससे लेंगे, लोअर सेक्शन पीपल से लेंगे जो पुअर होंगे। तो यानी ये जो इन्होंने इनकम गेन की है एक्स्ट्रा, जो रियल पीसीआई बढ़ी है वो कहीं ना कहीं जो है धीरे धीरे क्या होगा, हमारे लोअर सेक्शन पीपल के पास जो है पहुंच जाएगी। तो ये जो धीरे धीरे पहुंचता है, जैसे आप अगर टॉप को जो है अच्छा कर दीजिए तो ये टॉप के सहारे जो है बॉटम वाले अगर अच्छे हो जाएं तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, ट्रिकल डाउन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रीजन फॉर डिक्रीमेंट यानी एक पॉइंट के बाद हमारा जो है इनइक्वलिटी जो डिफरेंस है वो डिक्रीज होने लगता है, अगर ये पॉइंट ए है तो ए के बाद जो है हमारा इनइक्वलिटी डिफरेंट कम होता है। वो ऐसा इसलिए है, उसका रीजन जो है यहाँ पे दो रीजन है, एक है ट्रिकल डाउन इफेक्ट और दूसरा है गवर्नमेंट टैक्स रिवेन्यू। ट्रिकल डाउन इफेक्ट मैंने बताया,
जैसे आप बेनिफिट जो अपर सेक्शन है, जो रिचर सेक्शन है, अगर वो बेनिफिट्स होंगे तो जो उनकी इनकम है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो है लोअर इनकम ग्रुप के पीपल को ट्रांसफ़र हो जाएगी, क्योंकि वो सर्विसेज जो लेते हैं, जो काम करवाते हैं, वो लोअर सेक्शन पीपल से करवाते हैं। अगर उनके पास पैसा अधिक हो गया तो हो सकता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट कर दे, कोई जो है फैक्ट्री स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे जो लोअर सेक्शन पीपल हैं, जो कम इनकम वाले हैं, वो वर्क करेंगे। तो ये जो इनका बेनिफिट था वो किसको ट्रांसफ़र हो गया, लोअर इनकम ग्रुप को, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये है, जैसे अगर रिचर पीपल के पास पैसा अधिक आएगा इनकम, तो वो क्या है, टैक्स हमको जो है गवर्नमेंट को क्या देंगे, अधिक देंगे। अब गवर्नमेंट के पास अगर टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी। एक्सपेंडिचर कई फॉर्म में हो सकता है, जैसे हमारा सब्सिडी दे सकती है गवर्नमेंट, ठीक है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकती है, ठीक है, और बहुत सारे काम कर सकती है गवर्नमेंट। तो इनके थ्रू अगर सब्सिडी देती है तो ये डायरेक्ट किसको मिल रहा है, लोअर सेक्शन पीपल को। या उनका टैक्स रिवेन्यू इंक्रीज हुआ तो वो टैक्स रिवेन्यू जो इंक्रीज हुआ उसका यूज क्या किया, एक्सपेंडिचर में कर दिया, और एक्सपेंडिचर के जरिए जो है ये जो मनी था ये किसको ट्रांसफ़र हो गया, लोअर सेक्शन पीपल के, ठीक है। इतना चीज़ हमें कुजनेट्स कर्व में समझना था। तो मेन हमारा कुजनेट्स कर्व में क्या था कि इसका जो शेप होता है वो इन्वर्टेड यू शेप का होता है। ये जो है हमारा इनकम एंड रीजनल इनइक्वलिटी शो करता है, और जैसे जैसे रियल पीसीआई इंक्रीज करेगा वैसे वैसे इनइक्वलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। कुछ टाइम के लिए इंक्रीज होगी लेकिन आफ्टर दैट पॉइंट, यानी ये पॉइंट जो है हमारा ए पॉइंट था, इसके बाद क्या होगा, इनइक्वलिटी जो है वो डिक्रीज होने लगेगी। और इसका रीज़न मैंने क्या बताया, एक रीज़न है ट्रिकल डाउन इफेक्ट, और दूसरा है क्या, दूसरा है गवर्नमेंट टैक्स रिवेन्यू विल इंक्रीज एंड दिस विल लीड एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट इन डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्री क्रिएशन एंड सब्सिडी। ओके, तो आज हम लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो है एक और टॉपिक लेके आएंगे जहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तब तक के लिए।